प्लीज मेरा लेटर वापस दे दो, ऐसे किसी का पर्सनल लेटर नहीं पढ़ते। ओ ओ ओ, ये लेटर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, ये मेरा पर्सनल लेटर है, तुम्हारा नहीं, और मैं तो ये लेटर पढ़ के रहूंगा। ओके, कभी मेरी बात नहीं सुनते हो ना? हाँ, मैं कभी नहीं सुनता। I'm like this only. Okay, yeah, let me continue. तुम्हें बहुत दिलचस्पी है ना मेरी दिल की बात जानने में? वो तो है। पता है, मेरा भी बहुत मन है तुमसे अपनी दिल की बात कहने का, तुम्हें ये बताने का कि मैं आजकल इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हूँ। एक्चुअली जेब, मुझे प्यार हो गया है। कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा, पर शायद हम जो नहीं सोचते हमारे साथ वही होता है। मेरे प्यार ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों जैसी मेरी बोरिंग लाइफ को रंगों से भर दिया है। तुझे इतनी खुशी दी है कि मैं उसे संभाल ही नहीं पा रही हूँ। उसकी जितनी तारीफ करूँ ना उतने कम है। प्लीज रहने दो ना। और पता है वो कौन है? मुझे जिससे प्यार हुआ वो वो और भी कोई लेटर है क्या? कहीं गिर गया है क्या? थैंक गॉड मैंने जय का नाम लेटर में नहीं लिखा, क्योंकि मैंने सोचा था कि उसके सामने मैं उसका नाम बताऊंगी। तो तुमने ऐसे क्या बीच में क्या अटका दिया? नाम क्यों नहीं लिखा? एक सेकंड, ये कोई फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा है, बताओ ना कौन है वो? कोई नहीं है। कौन है वो बंदा? किससे प्यार हुआ तुम्हें? अरे प्यार किससे हुआ तुम्हें ये तो बता दो। देखो झूठ मत बोलो, इसमें सब तो लिखा है। किससे प्यार हो गया तुम्हें? आदिया यू चीटर, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड को किससे प्यार हो गया और मुझे उस बात का पता ही नहीं है। वाओ, लाइक सीरियसली। नहीं, नहीं नहीं, मुझे बताओ कौन है वो, कौन है और मुझे पता क्यों नहीं है और कहां से आया, कब पैदा हुआ, टाइम कब मिला और सैवी तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? आदिया तुम्हें बताना पड़ेगा कौन है वो। नहीं नहीं, बताओ जल्दी बताओ। नहीं बताना मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ठीक है, नहीं बात करनी तो मत करो, लेकिन मुझे नाम बताओ। रसन बिना सो सो सकती है, विक्रमी बॉम्ब पर क्या है? अब मुझे इसके क्वेश्चन मार्क पर फुल स्टॉप लगाना होगा। प्लीज मेरा हाथ छोड़ मुझे। हाथ वाते ही छोड़ा, मैं चार चार सैंडल मार लो, लेकिन अभी मुझे नाम बताओ कि वो कौन है और मुझे क्यों नहीं पता है? क्यों ट्रबल शबल कर रहा है? मुझे बात करनी। हम गर्ल्स का सब एक साइड है, तू ऑड मैन आउट हो गया, तू क्वाइट क्वाइट रहे। मैं नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि कौन वो। देख देख कैसा शाय शाय फील कर रही है ना बेटा? आदे मुझे बताओ, एक्चुअल टाइम आएगा तो बता देगी। मॉम मुझे अभी जानना है, मुझे पता ही नहीं होगा कौन है बेटा। अरे मॉम मुझे बोल देख सी अभी। मॉम 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 आद्या मॉम मेरी टीम में हो गई उसकी। तेरी बेटा, तेरी टीम? सम जूस बेटा? आप ही मॉम जूस पियो, मुझे नहीं पीना, थैंक यू। अच्छा हुआ इस लेटर पे उस पालिका बाजार की चप्पल ने मेरे बेटे का नेम नहीं लिखा, वरना ये तो पूरी प्लानिंग बना के आई थी मेरे बेटे को फंसाने के लिए। सो मच पापड़ बेलना पड़ा। बस बस बस। सभी ये तो मुझे कहाँ ले आई है? मुझे घर जाना है शॉपिंग करने। सभी मेरा शॉपिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज चलना। इसीलिए तो लेकर आई हूँ, देख तो थोड़ी देर शॉपिंग करेगी तो तेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वैसे भी घर जाके तो रोने लगेगी। नहीं, हम शॉपिंग कर रहे हैं। ये लीजिए भैया। सभी प्लीज प्लीज रहने दो। नहीं बिल्कुल नहीं, बैग सामान यहाँ, चल सभी। प्यास लगी है? पूरा पान वाले को चूना लगाओगे हैं? जितना उधार है सारा का सारा खत्म करो, तो तुमको खत्म कर दे, समझे? लड़की जा रही, समझा कर। पैसे तो पैसे, फिर समझेंगे। किडनी थोड़ी चुराई है, उधार लौटा दो, जा ब्याज छोड़। ना ना ना, अरे छोड़। आज का आज चाहिए मुझे। पैसा निकालो पैसा। अरे निकाल निकाल। भैया भैया भैया, अरे क्या हो गया? अरे पैसा नहीं दे रहा यार।
अच्छा कितने पैसे आप बताओ, मैं देता हूँ। 5,690 रुपया हुआ है। हाँ जाऊंगा चलो, मतलब ये छोड़ो ना यार उसे, चाय पिलाओ। इतना उधार एक साथ में निपटाया, फ्री में चिप्स का पैकेट बनता है। आराम से चाय पी जा। शुक्रिया। मेरी कहाँ है? वैसे एक बात बताइए, आपका चेहरा उतरा क्यों हुआ है? आखिर मामला क्या है? कुछ नहीं भैया। अरे मियाँ, इस कुछ नहीं के पीछे ही तो असली वजह छिपी होती है। खैर, अब आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। अब तूने मुंह में लाउड स्पीकर ठूस दिया क्या? जो आवाज किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। देखिए ज्यादा आवाज कर रहे हैं। हाँ तो ठूस ले। पर तू क्यों टेंशन ले रहा है मेरे भाई, तुझे क्या हो गया? यार वो हाथी पता नहीं किससे प्यार करती है यार, और करती भी है तो उसने मुझे आज तक कुछ बताया ही नहीं। बट आई एम श्योर अगर उसकी लाइफ में कोई पहले होता ना तो वो कभी सम्राट से शादी के लिए हाँ कहती नहीं। फिर ये लड़का कहाँ आया, कब आया और कहाँ से पैदा हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई रियली डोंट नो। तू ना ये साला मुंह में डाल ले, मजा आ जाएगा। खुश यार, आद्या ने कहा उस लड़के के आने से पहले उसकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट थी, उस लड़के ने आके रंग भर दिए, उस लड़के ने आके लाइफ बदल दी। तो मतलब पहले वो खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जब पहले हम चैट करते थे तब तो वो कहती थी कि जब से मैं उसकी लाइफ में आया हूँ उसकी लाइफ बदल गई है, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, सारी बातें मुझसे शेयर करती थी, बहुत खुश थी। मतलब उस टाइम वो खुश नहीं थी क्या? और अगर वो इतनी दुखी थी तो उस लड़के ने आगे कौन से कद्दू में तीर मार दिए हैं? भाई गाड़ी स्टार्ट कर ले वरना यही पार्किंग लॉट में रुकना पड़ जाएगा। अरे रज्जू तू मेरी बात नहीं सुन रहा यार, 24 घंटे में से 25 घंटे वो मेरे टच में रहती थी, तो उस लड़के को जगह कहां से मिली और टाइम कहां से मिला? बात तो सही है, जगह कहां से मिली? अरे जगह तो दे दे। अरे यार हम कहां से दे रहे जगह, आप जैसे जाके मांग जगह। अरे तेरे तुमसे बात नहीं कर रहा हूं यार, आगे गाड़ी वाले को बोल रहा हूं जगह देने के लिए। अबे वो गाड़ी हटाना, क्या हवा में लेके जाऊंगा क्या गाड़ी? भाई यार संभालना यार, तू क्या हो गया ऐसे? अब समझ आई बात? अरे हाँ भाई समझ में आ गई, वो अपना गाड़ी हटाएगा और जाएगा। अरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, आद्या की बात कर रहा हूँ कि उसकी लाइफ में वो लड़का आ कहाँ से गया है। भाई ये ना इसका फिर से शुरू हो गया आधा पुरान। मिल गया जवाब, मिल गया कि वो लड़का आद्या की लाइफ में कहाँ से आया। अबे जवाब नहीं मिल गया, वो आदमी ने गाड़ी हटा ली, जगह मिल गई गाड़ी निकालने की। मुझे पता ही नहीं है, जानता कैसा लगता, कितना खतरनाक होता है। और तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हारी तो आज तक कोई लड़की बेस्ट फ्रेंड रही नहीं, तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो आज तक सिर्फ लड़कियों ने भाई बनाया या चप्पल मारी है। हाँ तो हम चप्पल खा के खुश है, लेकिन तेरी तरह फालतू सवालों में अपना दिमाग खपाने का ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही पेशेंस है। और भाई अगर तुझे आद्या से इतनी प्रॉब्लम है, उसकी इतनी पड़ी है ना, तो जा ना देख, वो अंदर जा रही है, उसी से पूछ ले। तुम्हें माफ कर दे यार, जा भाई तू निपट ले, हम अपना देखेंगे। गाड़ी में बैठ, कोई नहीं दिख रही भाई, तू जा। जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी आद्या, दैट्स नॉट मी। हेलो जी, देखो मतलब यहाँ शॉपिंग कर रही हो, मतलब मूड अब ठीक है ना? तो जल्दी से बता दो वो लकी लड़का है कौन है? क्या, क्या कर रहे हो? मैं ना अपने सवालों के जवाब लेने आया हूँ, तुम जल्दी बताओ, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कौन है वो? मैंने कहा था ना हम बाद में बात। अरे एक सेकंड, देखो ये बात है ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को बतानी बहुत कंपल्सरी होती है, इसलिए जल्दी बता दो प्लीज मुझे। देखो आद्या, एक तो मैं पहले ही बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम अपनी लाइफ में मेरी जगह किसी और को दे रही हो। क्या लुक क्या दे रही हो? अरे मजाक कर रहा था, लेकिन सुनो मैं बेस्ट फ्रेंड हूं तुम्हारा,
मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। अरे मुझे पता ही नहीं है कौन लड़का है, कहां से आया, कैसा है, I really don't know, like... वैसे एक बात बताऊं, मैं बहुत खुश भी हूं तुम्हारे लिए। मतलब हम में से किसी एक को तो वो सच्ची वाला प्यार हुआ है। मुझे लगता था सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं प्यार हो गया, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, मर जाएंगे, बट आई एम हैप्पी कम से कम तुम उसे एक्सपीरियंस कर रही हो। कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे वो दिखाते ना कि ऐसे वायलेंस बज रहे हैं हर जगह, उसे देखते ही सब कुछ थम जाता है और उसे देख के ऐसे हार्ट बीट बढ़ जाती है। अरे सुनो ना, पहले बताओ वो ऐसा वैसी ऐसी इसके लिए फीलिंग आ रही है कि उसको देखा, लोग आ गए, सब आउट ऑफ फोकस हो गया, सिर्फ वो दिखाई दे रहा है, सिर्फ वो, दिल की धड़कन रुक गई, बस वो सामने है और दुनिया को बस बता दो कि चीख चीख की के क्यों से प्यार करती हूं। ये पूरी दुनिया, ये सारे लोग सब थम जाए, बस ये वक्त वहीं थम जाए और तुम दोनों वैसे खुश रहो। तुम खुश हो ना? इतनी खुश मैं आज तक नहीं हुई। ओए मर जाना कम वक्त मारे, बच्ची का हाथ क्यों पकड़ रखा है? पुपी दोस्त है मेरी, इसमें क्या? लड़का लड़की में कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती। क्या? किसने कहा? शाहरुख खान ने। तो पुपी फिल्म तो सही बोला करो, गलत बोल रहे हो। अच्छा अच्छा सब पता है मुझे। अच्छा पर ये जो कस्टमर आया उसका नहीं पता? वो कस्टमर तो संभाल लो पहले। हाँ देखो ना, बताओ 21st century में 16th century वाली बातें करते हैं लोग। ये लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, उनके बीच में सिर्फ वो वाला रिलेशन हो सकता है, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल। अरे क्या हो गया लोगों के दिमाग को, कब रहेंगे वो 21st century में? शायद मैंने कुछ ज्यादा समझ लिया जाए, तुम्हारी दोस्ती तुम्हारी परवाह को तुम्हारा प्यार समझ बैठी मैं। क्या ये सारी बातें छोड़ो, नाम बताओ उसका, क्या नाम है लड़के का? मुझे नाम बताओ उसका, नाम बताओ मुझे जल्दी। मतलब आद्या? छे मैंने कहा ना मैं बाद में बात। आद्या बात सुनो। अरे ये नहीं बता सकती कि कौन है वो, इन आंखों में बसा कौन है वो जो इन खूबसूरत जुल्फों में उलझ के मेरी दोस्त को मुझसे दूर लेके जा रहा है। आद्या तुम्हें मेरी कसम, मुझे जानना है उससे वो कौन है, क्या है, कैसा है, मुझे ठीक है। ठीक है मतलब तुम मुझे उससे मिलवाओगी? हाँ ठीक है। हाँ तो कल कैफे में? ओके हाँ। पक्का वादा? हाँ। देखो अगर वादा तोड़ा ना तो हमारी दोस्ती खत्म। नहीं मैं वादा नहीं तोड़ूंगी। हाँ। ओहो, मैं भी तो देखूं कौन है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में आ गया। आते हुए तुम्हें बता नहीं सकते मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मैं उस लड़के से मिलने वाला हूँ जिससे तुम प्यार करती हो, लाइक अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से। वाह, बस सुन लो, उसका अप्रूवल ना मैं ही करूंगा। जब तक मैं अप्रूव नहीं कर देता तुम
तुम रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती, ओके? फूलू यस 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 फाइनली फाइनली मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलूंगा. थैंक यू फॉर मानने के लिए. आई एम सो 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 हैप्पी. सैवी आदे मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली है. और तू ज्यादा ना जल मत, क्योंकि अब मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और सबसे पहले उसके बॉयफ्रेंड से मैं मिलने वाला हूँ, है ना आद्या? बच्चे इतनी स्माइल मत कर, आसपास वालों की आंखों में झांक भी लिया कर. ओके हैप्पी या पुपी या क्या कर रही सैवी? तुझे होश में ला रही हूँ बेब्स. तूने बोल तो दिया लेकिन कल कौन सी बॉयफ्रेंड से मिलवाएगी? तुम्हें क्या करती सैवी? ये हमारी दोस्ती तोड़ने की धमकी दे रहा था और यही रिश्ता बचा है हमारे बीच. मैं इसे नहीं खो सकती. समझती हूँ आदू, लेकिन आज के जमाने में ना पति मिल जाएगा लेकिन बॉयफ्रेंड नहीं. अब मुझे ही देख ले, 4 साल से ढूंढ रही हूँ, एक भी नहीं मिला. अब 24 घंटे में कौन सा बॉयफ्रेंड मिलेगा? पुपी सब रख दिए. अंदर तो मैं बन ही सकता. तेरे लिए 24 घंटे में कहाँ से मिलेगा? Bye bye girls, see you tomorrow. Bye bye. अरे बोर्ड्स के पेपर सेट कर रहा है क्या? अरे यार आज आके बॉयफ्रेंड का टेस्ट लेना है, उसके लिए क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर रहा हूं. टेस्ट लेना तो आद्या का काम है ना, तू किस बात की टेस्ट ले रहा है उसकी? मुझे ना आद्या के बॉयफ्रेंड का टेस्ट लेना है क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लड़का वैसा हो जैसे सम्राट था और उसका पप्पू बना के चले जाए. सुनो हमारी आद्या ना परफेक्ट है, इसलिए उसके लिए लड़का भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम शरीफ खानदानी एकदम, और उसकी लाइफ में कोई दाग ना होना चाहिए, ना लाइफ में होना चाहिए, हार्ट में होना चाहिए और ना कोई और दाग होना चाहिए. हां हां भाई भगवान को कहकर स्पेशल ऑर्डर में लड़का मंगवा लेते हैं. नहीं बोल दो भाई. तुम ना मैच देखना और आद्या ने लड़का ढूंढा, आई एम श्योर कोई अच्छा ही लड़का होगा. ओके पर भाई जय एक बात बता, अगर उसका बॉयफ्रेंड भी उसी की तरह सीधा साधा सिंपल भोला भाला डिसेंट हुआ तो फिर उसे मुसीबतों से कौन बचाएगा? उसके लिए मैं हूं ना, और साथ में तुम दोनों कमीने भी तो हो, तुम बचाओगे ना उसे? हां भाई समझ गया. का बाजार की चप्पल का बॉयफ्रेंड, अब ये कौन सा कैरेक्टर आ रहा है लाइफ में? उस अनलकी फेलो से तो मिलना ही पड़ेगा जो उस ओवर स्मार्ट लड़की को डेट कर रहा है. ओह माय गॉड सैवी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ. मतलब ऑनलाइन लड़के देखना ऐसे लेफ्ट राइट स्वाइप करके, भाई जय को इन सबसे सुधारा है मैंने और अब देख दोस्ती बचाने के लिए मैं खुद ये सब कुछ कर रही हूँ. ओह गॉड बेब्स थोड़ा चिल मार. कैसे चिल करूँ? सैवी तू समझ नहीं रही है ये. तू रिलैक्स कर, अब आजा यहाँ बैठ जा, आजा सिट देयर. ओके यार यार बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, जैसे बिना टेस्ट लिए कैसे छोड़ दूंगा उस लड़के को मैं? अरे ओ भाई 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 इतनी मिर्ची टीका मत बना. देखो कैसा टेस्ट लेता हूं मैं उसका, क्वेश्चनेयर तो मैंने बना ही लिया. अरे वो लड़का मुझे पसंद नहीं आया ना, चाहे आद्या हाँ बोले या ना बोले, मैं तो ना उस लड़के को लात मार के भगा. ओए ओ सॉरी सॉरी भाई 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 पागल हो गया क्या? एक सेकंड मैं साफ कर दूंगा. मैं वो लड़का थोड़ी हूं जो तू मेरे मुंह पे ऑमलेट फेंक के मेरा ही मुंह जला रहा है. भाई कसम से उस लड़के के नाम पे जितना तुमने मेरे को टॉर्चर किया ना, अब वो आद्या के लायक नहीं निकला तो बाय गॉड तुम दोनों से पहले मैं उसका सर फोड़ दूंगा. करता अरे ऑमलेट बना दूसरा. आद्या के बॉयफ्रेंड को तो परखना ही पड़ेगा.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.